हॉरर कहानियां टीवी गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो, ये कॉल उनके लिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली, एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी, फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहाँ उसे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा गुस्त। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं। चलो ऊपर मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी, सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्मों से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है, बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए, और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है, जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ, मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी, आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने, मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा, ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है, कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए, आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है, जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। ये 5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया, हाथ है? सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है, फर्श पर हर तरफ खून ही खून।
प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है, मैम यहाँ रूहें रहती हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रोमिल के घर से बाहर निकलती है। चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती, ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कुक कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट ऑन हो जाती है। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? इनको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूँ क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है, पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सूंघ लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। आह, मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था? अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था, एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी? यहाँ हमारी जैसी बहुत सी लग रही थी, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था जिसे वो रूहे रोज मारे रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिखी जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना, यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा नेहा।